विशेष उल्लेखनीय है कि गोंदिया शहर के उत्तर और दक्षिण भाग से आमजनों को आवागमन हेतु कुड़वा लाइन और मुख्य टिकट घर के पास स्थित पदाचारी पुल जो आवागमन का साधन था पिछले 2 साल से रेलवे द्वारा कोरोना के चलते बंद रखा गया था। आम जनता को विशेषकर मुख्य बाजार पेट में आने वाली महिलाएं और विद्यार्थियों को हो रही तकलीफ को देखते हुए गोंदिया जिला शिवसेना द्वारा जिला प्रमुख पंकज एस यादव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने माननीय DRM साहब से मिलकर दोनों पदाचारी पुल को जल्द से जल्द शुरू करने बाबत अल्टीमेटम दिया। शुरू ना करने पर शिवसेना द्वारा जोरदार आंदोलन करने की तैयारी दिखाई। शिवसेना जिला प्रमुख ने इस विषय को राजन विचारे साहब के गोंदिया आगमन पर उनके समक्ष रखा और सांसद साहब ने रेलवे के उच्च अधिकारियों से इस बाबत फोन पर चर्चा की। परिणाम स्वरूप आज गोंदिया शहर रेलवे स्टेशन मास्टर ने फोन कर जिला प्रमुख पंकज एस यादव को आज दिनांक से दोनों पदाचारी पुल आम जनता के आवागमन के लिए शुरू किया जा रहा है इस बाबत जानकारी दी। शिवसेना जिला प्रमुख पंकज एस यादव के साथ शिवसेना पदाधिकारियों ने मौके पर जाकर आज से शुरू किए गए दोनों पुलों का जायजा लिया, आवागमन कर रहे लोगों से बातचीत की और रेलवे के अधिकारियों, शिवसेना पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद राजन विचारे साहब का आभार व्यक्त किया और गोंदिया जिले की आम जनता के लिए इसी तरह शिवसेना सड़क पर उतर कर काम करती रहेगी, ऐसे विचार प्रकट किए। गोंदिया से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।